हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप करती हो कि आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। तो गाइस, बस थोड़ा रेडियो में शावर लिया है। तो गाइस, बस अब बच चुके हैं, दिन का 1 बज रहा है। तो गाइस, आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मोबाइल अलार्म लगा के रखा उसका पता ही नहीं लगा बच्चा स्कूल भी नहीं गया है। मतलब बच्चों का ये होता है, अपनी मर्ज़ी से मना कर दें तो कोई बात नहीं, अगर जो मैं अपनी मर्ज़ी से जैसे कि मैं नहीं उठती और इन्हें स्कूल नहीं भेजती है, फिर मुझ पे गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस, बस जैसे ही मैं थोड़ा शावर लेकर आई और वैसे आई, तो हमें नबिया ने बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ दिया। वो सरप्राइज़ ये कि आई वो और उनके मतलब हैं भतीजे हैं भाभी वगैरह, तो सामने से दिख रही है, हंस रही। तो अच्छा लगता है जब छोटू सा बेबी घर पे आता है, तो बहुत ज़्यादा वो होता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश है, आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। और भाई, बच्चे तो बच्चे होते हैं बहुत क्यूट से, उनके साथ खेलना हंसना करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अब ये देखो कि हमारे घर में तो ये जो है पैरट है, इसका नाम बिट्टू है, तो उसे ही लेके हम इतना फो रहते हैं। और जब घर में छोटा बेबी आ जाता है, बस किसी को कोई वो नहीं रहती है। तो आज हम उनको है ना 4-5 घंटे रखेंगे, खूब मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे। जो होगा मैं सब शूट करूंगी आपसे, आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, चलिए आपको दिखाते हैं वो छोटा सा बेबी, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है, मिलाते हैं आपको। चलिए, थोड़ा बिट्टू के साथ जाइना कह रही कि थोड़ी बिट्टू के साथ मस्ती करूंगी, ये करूंगी। मैंने कहा चलो करो, देखते हैं क्या क्या होता है, जो होता है आपको दिखाते हैं और मिलते हैं। चलिए पहले उस छोटे से बेबी की मस्ती दिखाते हैं आपको। सा हमसे मिलने आया है भाई छोटू सा, हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो इधर को देख के। हाँ, हाय गाइस, ऐसे करो, हाय गाइस कर दो। ओ देखो छोटू सा, हाय गाइस कर रहे हैं छोटू बच्चे। ओ तो गाइस देखो, सबको हाय बोल दिया है। मस्ती करते रहे, मस्ती मस्ती करोगे बुआ के पास? हो इधर देखो, इधर 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 बाय कर। ओ बिट्टू कहाँ है? बिट्टू हाय गाइस, कैसे हो सब? बिट्टू कहाँ है? बिट्टू बिट्टू कहाँ है? बिट्टू को दिखा। बिट्टू ओ तो फोन को देख के एक्साइटेड हो रहा। दिखा दो भैया, दिखा दो। ओहो, ये बॉल से खेलेंगे, बोल दो भाई इनको। इतने भी हो भाई, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, चलो बाय कर दो। तो बाय गाइस, अजी बाय कर दो, बाय कर दो, पहले बाय कर दो, बाय। अब तो बॉल दिख रही, बाय करो, बाय। और आज मेरा पूरा दिन बिट्टू कंट्रोल करेगा, 44 हास, पूरा दिन 44 हास के लिए। सो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ये दो चिट बना लिए, ये है चाय विद बिस्किट, चाय विद रस। तो अब बिट्टू से चूज करवाएंगे कौन सा चूज करेगा। देखो बेचैन हो रहा है चिट लेने के लिए। बिट्टू अच्छी सी करता, एक तो ये बेचैन बिट्टू। यस, सो गाइस इसने वन बिट इसने चूज कराया है चाय विद बिस्किट। सो गाइस अब वही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और बाद में देखते हैं बिट्टू क्या क्या मेरे लिए अच्छा अच्छा चूज करेगा है, बुरा बुरा चूज करेगा। ओके ओके, यस। सो गाइस अब हम मिलते हैं अपने चाय बिस्किट खाने के बाद। सो गाइस, अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट जो बिट्टू ने कहा था, ये बिस्किट्स। सो अब मैं ये ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड अब मैं क्या चूज कर रहा हूँ। अब हम बिट्टू से ब्रेकफास्ट करने के बाद चूज कराएंगे कि मैं आज कौन से कपड़े पहनूँ। मैं दो चॉइस दूंगी बिट्टू को, जो चूज करेगा वो हम पहनेंगे। सो गाइस, मैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलती हूँ। गाइस, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो अब मैं करवाऊंगी बिट्टू से अपने कपड़े चूज और मैंने अपने ये सारे क्लोथ्स निकाल लिए।
और ये एक बटरफ्लाई टाइप गाउन है एंड ये मेरी फ्लावर्स की जो भी है ये मतलब ये जीन्स और मेरी शर्ट है और ये ना बिट्टू अब ये हमारा चूज करेगा कि हम क्या पहनेंगे आओ बिट्टू छुप गए आप आओ ये बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहा पर हमें करना पड़ा आओ ओके अब आप बताओ क्या कौन से कपड़े पहने ओके 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 वन उतरो क्या हुआ इसका पूरा मूड ही नहीं लग रहा अरे जाओ 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 बिट्टू इधर सुनो बताओ कौन से क्लोथ्स पहनूं मैं बिट्टू इसे देखो ये सोच रहा है क्या क्या चीज आ गई मेरे साथ बताओ बिट्टू मैं कौन से पहनूं ये वाले आपके वाले अच्छे लगे अप्पी के लिए अब ये वाले अरे भाई ये तो तीनों ही बता रहा है पर गाइस ने बहुत देर तक इसे चूज करा था सबसे पहले इसे करा था सो हम पहले ये पहने के ओके यस देखो हाँ क्योंकि बिट्टू इस पे चढ़ के बैठ गया है सो गाइस हम ये वाले क्लोथ्स पहनेंगे ओके सो गाइस मैं ये पहन के आती हूँ मैंने ये पहन लिए है सो अब हम उसे चूज कराएंगे हमारा हेयर स्टाइल सो मैं चिट पे लिख कर आती हूँ कि कौन सा हेयर स्टाइल हम करें सो गाइस मैंने इस पे लिख दिया है बिट्टू से करवाते हैं सो गाइस चूज करवाते हैं बिट्टू चूज करो बिट्टू ने चूज करी सिंपल ब्रेड चिटिया वो कदे हेयर स्टाइल भी चूज कर सके तो हेयर पे अब तो हेयर इसकी मर्जी है सब क्यों करें चलो आप खा लो हवाई सिंपल ब्रेड अब हम पदवा के आते हैं गाइस अब लंच के लिए बिट्टू से चूज करवाते हैं एक में है रोटी सब्जी और एक में है आलू की चाट सो गाइस देखते हैं बिट्टू क्या चूज करेगा अच्छा सा चूज करिए बिट्टू चूज यस गाइस बिट्टू ने चूज करिए आलू की चाट ये दी नो चीटिंग पति हो भैया एक मिनट देखो गाइस हाँ धन्यवाद आपका अब आप पिंजरे में बंद हो जाइए सो गाइस अब मैं अपनी चाट इंजॉय करूँगी सो गाइस ये नहीं मेरी बहुत अच्छी सी आलू की चाट गाइस बस आधे घंटे की वर्कआउट की है थोड़ा वीक से हुआ है असल में ऐसा हो रहा है मौसम ये ऐसा हो रहा है कि सभी ये करें कि बॉडी में ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा वीक सा तो कुछ मुझे भी बस मैंने आधे घंटे की वर्कआउट की है तो बस आज तो वैसे ही मतलब घर पे जब कोई छोटा बेबी आ जाता है तो टाइम का पता नहीं लगता है माशाल्लाह से नबिया ने आके बेबी को ने आके हमें अच्छे से सरप्राइज दिया है बहुत अच्छा लगा तो बोलूँगी नबिया को भी थैंक यू आप आए और हमारी बोरियत दूर की है वरना इतना बोर हो रहा है मतलब ऐसा हो रहा है कि बहुत ही अजीब सा आज सुबह से ही बोर से हो रहे थे और माशाल्लाह से जब वो छोटा बेबी आया हुआ है तो सारे हैप्पी हो गए एकदम ये देखो मैं इसे इतना मना करती हूँ मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती है मैं कहती हूँ आप छोटी हो क्यों ले देती हो मुझे तो बस कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है छोटे बड़ों का बस गिफ्ट तो गिफ्ट होता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं सो गाइस बस जब वो जो घर में कोई छोटा बेबी आ जाता है ना तो ऐसा होता है खुद भी बेबी बन जाओ छोटा
इतनी खूब माशाल्लाह, मतलब असल में ऐसे नहीं बच्चा रोता है करता है, माशाल्लाह सबके साथ खेल के करके, और ज़्यादा नहीं बस मतलब दूसरी दफ़े ही आए हैं घर पे और सबको ऐसे करके सबको खूब हैप्पी करके माशाल्लाह जब गए हैं वो करके, टाइम का भी पता नहीं लगा है कहाँ को कहाँ पे। तो बस मैं खुद ऐसे ही बस जब बस घर में होता नहीं, बड़े बच्चे हो जाते हैं तो सभी को ऐसा होता है, छोटे बेबी पे प्यार आता है। बस थोड़ा जायना ने बिट्टू के साथ मस्ती की है, उससे पूछ रही कि मुझे को लंच में क्या खाना है, उसमें मुझे क्या कपड़े पहनने हैं। तो गाइस बच्चों की तरह करता है बिल्कुल, उसको है ना ऐसे वो पर्ची पे लिख देती है और उन्हें ऐसे कहता है ये करो। तो गाइस वो सोच खैर चलो व्लॉग्स में मिल जाएगा देखने को आपको। तो गाइस बस अब 11:30 बजे बज रहे हैं। तो गाइस बस इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, जिसने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।